नमस्कार मनंदिनी, आज आप लोगों के लिए फिर एक बैग लेकर आई हूँ और आज की बैग में हम 3 पॉकेट देने वाले हैं। थोड़ा सा मेहनत का काम है आज, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ये मेरे पास सिल्क का कपड़ा है और देखिए यहाँ पर काफ़ी इसमें शाइन है, तो इसका मैंने साइज़ लिया है यहाँ पर 11x20 इंच। तो अभी क्विल्ट करने से पहले मैंने ये साइज लिया है 11x20 इंच। अब इसको इसके नीचे मैंने फोम डाली है और नीचे अस्तर डाल दिया है। तो चलिए अब इसको पहले क्विल्ट कर लेते हैं। इसको हमने क्विल्ट कर लिया है। तो अब इस क्विल्ट पीस में से हमें 9x10 के 2 पीस निकालने हैं। तो पहले इसकी हम 2 साइड से सीधी सफाई कर देते हैं। अब इधर से हमें 10 इंच लेना है, ये 10 आ गया, इधर 10 आ गया, इधर अब इधर से 9 इंच पर निशान लगाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ, ये लाइन खींच लेते हैं और फिर एक 9 इंच का इधर से निकाल देंगे, इधर से आ गया और ये इधर से आ गया। तो ये क्विल्ट होने के बाद हमारा पूरा परफेक्ट साइज आ गया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो लिखूँगी तो 9x10 के 2 क्विल्टेड पीस लिखूंगी, तो आप लोगों 2 पीस ले लीजिएगा। तो आप इसको भी बीच से कट कर लेते हैं, एक पीस लेंगे, इसको रख देते हैं, यहाँ से 3 इंच अप निशान लगाएंगे, लाइन खींच लेंगे, यहाँ पर एक लेस लगा देंगे। तो लेस मैं यहाँ पे 2 लेस का इस्तेमाल करूँगी, आप लोग चाहें तो 1 लेस या जैसे भी कॉम्बिनेशन में डालना चाहें लगा सकते हैं। तो अभी ये हमारे पास जो लेस है तो इस लाइन के ऊपर मैं रखूँगी और लगाऊँगी, ये लाइन है, लाइन के ऊपर मैं रख रही हूँ और अभी मैं इसको एक साइड से सिलूँगी। केवल लाइन इसलिए खींची है कि लेस हमारी सीधी लगे। के बाद ये मेरे पास एक टसल वाली लेस है, इसको मैं ये जो इसकी पट्टी है टसल की इसके अंदर पूरा डाल दूंगी, इसको कवर करते हुए इसको सिलती जाऊंगी। ये हमारा फ्रंट हो गया। अब लेंगे इसको, इसमें भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे इधर और इधर, एक लाइन खींचेंगे। अब हमने यहाँ पे ली है 8 इंच की जिप, जिप में पहले एक रनर डाल देंगे, रनर डालने के बाद ये हमने यहाँ पर 2x3 इंच के 4 पीस लिए हैं, इस तरह से सेम कपड़े के हैं, और 2 पीस लेंगे इस तरह से, इसके ऊपर जिप को उल्टा रखेंगे तो ये हमको कपड़े का थोड़ा सा हिस्सा बाहर मिलेगा, इसके ऊपर दूसरा रखेंगे और इसको यहाँ पर सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद इसको हम सीधा करेंगे तो ये दोनों पीस हमारे बाहर आ जाएंगे। अब इसमें ये जो पट्टी की चौड़ाई है जिप की, इसको यहाँ से बराबर से सिल देंगे, यहाँ से सिलते हुए आएंगे, यहाँ सिलेंगे, यहाँ सिलेंगे और इसी तरह से इधर भी इसको पैक कर देंगे। ये सिल गया, इसका जितना एक्स्ट्रा है सिलाई के बाहर से इसको हम कटिंग कर देंगे। तो ये जो जिप है हमारी
एक लंबाई ले लेगी। अब इसी तरह से इसको भी हम जोड़ देते हैं। अब इसको रेडी करने के बाद दोनों को मिलाएंगे, यहाँ पर इसका एक सेंटर मार्क निकाल लेंगे। ये हो गया सेंटर। अब ये जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया था इसको कट करेंगे। इसका सेंटर ले लेंगे, सेंटर से सेंटर पर रखते हुए इसको यहाँ पर सिल देंगे इस तरह से। तो जितना कपड़ा हमको साइड में आना होगा वो आ जाएगा और हमारी जिप भी लग जाएगी। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं। अब जितना एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे, क्योंकि बहुत छोटा कपड़ा लेके जोड़ने पर कभी कभी क्या होता है कि सिलाई के मार्जिन में कपड़ा ज़्यादा चला जाता है और फिर हमको जोड़ते नहीं बनता, तो इससे अच्छा है कपड़ा थोड़ा बढ़ा के लिया जाए। अब इसको हम यहाँ पर फिनिशिंग दे देंगे। अब इसको इसके साथ यहाँ पर जोड़ देंगे। तीन उंगली रखेंगे यहाँ, तीन उंगली रखेंगे यहाँ। इस पीस को उठाएंगे, इसका भी सेंटर निकालेंगे, तीन उंगली यहाँ, तीन उंगली यहाँ। अब यहाँ पर हमने 6-6 इंच के दो पट्टी ली है, वही 2x6 इंच के दो पट्टी ले ली है। अब इसको हम इस तरह से मुड़ते हुए लूप बनाएंगे। इसको भी हम हाफ एंड हाफ कर लेंगे, तो 3 इंच के हमें 4 लूप चाहिए होंगे। अब लेंगे ये वाले हैंडल। तो बहुत लोगों ने कहा कि सर्च कर रहे हैं नहीं मिल रहा है, तो बहनों मैं बता दूं कि मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ मैंने कहाँ से लिया था। एक जगह और बता सकती हूँ आप लोगों को, उनका नाम है प्रधान एम्ब्रॉयडरी। वो पुणे में है या बॉम्बे में है मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन प्रधान एम्ब्रॉयडरी करके आप महाराष्ट्र लिख दीजिए तो आपको मिल जाएगा, या पुणे लिख दीजिए मिल जाएगा, उनके पास ही सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, इतना तो पक्का मुझे याद है। आप वहाँ पे सर्च करके आप लोग बात कर सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो इतनी मदद मैं आप लोगों की और कर सकती हूँ, इसके बाद ये कहाँ मिलेगा मैं बिल्कुल आइडिया मुझे नहीं है। तो अब ये जो इसमें हैंडल में ये जो लूप हैं ये फंसाएंगे, इसको इस तरह से एक एक लेते हैं। ये जो पीस है खोलेंगे, यहाँ रखेंगे, ये जो 3 उंगली पे निशान लगाया था इसको यहाँ इस पे एक उंगली बीच में रखते हुए, उंगली यहाँ पे इसलिए रखते हैं जिससे कि सिलाई का मार्जिन भी मिल जाए और हैंडल को लूप भी मिल जाए। तो इस तरह से रखते हुए इसको यहाँ पर हम जोड़ देंगे। इसी तरह इसमें भी जो निशान लगाया था उस पर दूसरा हैंडल लगा देंगे। तो ये जो निशान लगाया है निशान के अंदर से हमें रख के दोनों हैंडल को जोड़ देना है। अब ये दो पीस हमारे इधर रेडी हो गए। अब लेंगे हम लाइनिंग का कपड़ा। अब ये दो लाइनिंग के हमने कपड़े ले लिए हैं, एक लाइनिंग का कपड़ा लेंगे, इसमें हम 3 इंच डाउन जाएंगे। ये 10 इंच है हमारा, ये 9 इंच है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें लाइन खींच के इसको कट कर देंगे और यहाँ पर एक 10 इंच की जिप अटैच कर देंगे। Thank you.
रनर डालने के बाद ये दोनों पीस रेडी हो गए। अब लेंगे हम 9 इंच की जिप और 2x3 के चार पीस फिर से और एक रनर। पहले रनर को डाल देंगे और जैसे 8 इंच की जिप में हमने पट्टियों को जोड़ा था सेम प्रोसीजर में इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। अब ये बेल्ट हमने रेडी कर लिया, तो ये सारे पीस अब हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पीस को लेंगे और एक कोई राउंड शेप का सामान ले लेंगे और इसको यहाँ पर किनारे पे रखते हुए इसे से शेप ले लेंगे। तो शेप लेते समय ये ध्यान रखना है कि बेल्ट तक आपका गोलाई वाला कट नहीं आना चाहिए, यहाँ पर प्लेन आना चाहिए ताकि बेल्ट हमारी जो हैंडल है हमारा वो सीधा रहे। तो अब पहले इस पर हम मशीन चला लेते हैं ताकि किनारे इसके बंध जाएं। अब इस शेप को हम कट कर देंगे। ये इस तरह से कट हो गया। अब ये सेंटर हमने यहाँ पे पहले निकाला हुआ था इसका भी सेंटर ले लेते हैं। ये हमने सेंटर ले लिया। अब इस सेंटर को पिन के साथ यहाँ पर अटैच कर देंगे इस तरह से। ये हमने सेंटर से सेंटर मिला के पिन पर अटैच कर दिया। अब इसको बराबर से इस तरह से गोलाई से घुमाते हुए यहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे, इस तरह से इस कपड़े को ये जिप तक ले आएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारी जिप है, यहाँ तक ले आएंगे और इसको सिल देंगे। इसको जोड़ने के बाद इसके ऊपर जो ये बाहर वाली जिप है इसके ऊपर ये प्लेन वाला लाइनिंग का कपड़ा लेंगे, इसका भी सेंटर मार्क निकाल लेंगे 10 इंच की तरफ से। ये सेंटर निकाल लिया, इस सेंटर को इस जिप वाले सेंटर के ऊपर रख के एक एक पीस जोड़ना है। एक साथ दो पीस जोड़ने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। ये सेंटर से सेंटर जोड़ दिया। अब इसको हम सीधा रखेंगे इस तरह से, ये सेंटर से जोड़ दिया हमने, इस पीस को इसके ऊपर रख दिया। अब ये जो सिलाई आई है जिप के साथ जो हमने जोड़ी थी इसी के ऊपर हम इसको चला देंगे और नीचे हमारा रनर है, ध्यान रखना है कि वो मशीन के नीचे ना आने पाए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम बहुत सावधानी से जोड़ देंगे। अब ये जो कॉर्नर है इसको कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद यहाँ पर हल्के हल्के जो राउंड शेप है यहाँ पे कट लगा देंगे। इस तरह सीधा करने के बाद जितनी दूर में जिप है हमारी, ये पीस नहीं, जितनी दूर में जिप है वहाँ पर हम एक दाब मशीन चला देंगे लाइनिंग को पीछे की तरफ दबाते हुए इस तरह से। सीधा करेंगे और ये जो लाइनिंग अब खुली हुई है इसको तीन साइड से पैक कर देंगे। अब ये एक पीस रेडी हो गया। दूसरा पीस लेंगे, इस पे भी निशान लगाएंगे, मशीन चला लेंगे, फिर कट कर देंगे। अब इस पर ये सेंटर मार्क हमारा, ये जिप का सेंटर मार्क, यहाँ पर इसको रख के पिन करेंगे। अब इसको
इसके साथ बराबर से रखते हुए जिप का जो दूसरा पार्ट है और ये जो साइड की पट्टी है इसको यहाँ पे रखते हुए सिल देंगे। ये जिप जोड़ने के बाद ये जो दूसरा पीस है इसको लेंगे, इसको यहाँ पर उल्टा रखेंगे और ये जो अभी हमने यहाँ पर दूसरी जिप जोड़ी है इसको लगाएंगे। तो इसका भी हम सेंटर निकालेंगे, ये सेंटर है और सेंटर को ये जो जिप का सेंटर हमने यहाँ पर लिया था उसके साथ यहाँ पर इसको भी अटैच कर देंगे पिन से। सेंटर से सेंटर मिला के काम करने से ना आसानी हो जाती है। और इसको यहाँ पे पिन कर लेंगे, पिन करके जब इसको रखेंगे इस तरह से तो ये शेप लेगा अपने आप ये इस तरह से। तो अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ हमने जिप लगाई है लाइनिंग में, तो हमको लाइनिंग से शुरुआत नहीं करनी है। यहाँ पर ये पट्टी ज़रूर है लेकिन हमको लाइनिंग से शुरुआत नहीं करनी है, हमको जिप के ऊपर से सिलाई करनी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जिप के ऊपर यहाँ से सिलाई करते हुए यहाँ तक इस जिप के बराबर तक ला के इसको छोड़ देंगे। तो अब इसको भी जोड़ देते हैं। यहाँ जिप तक हमने इसकी सिलाई नहीं, जिप को पूरा लॉक नहीं किया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम सफाई से कट कर देंगे। कट करने के बाद इसमें भी कट लगाएंगे हल्के हल्के, इसको पलट देंगे। जब इसको पलटेंगे तो ये यहाँ पर इस तरह से ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है कि पहले हम इसमें फिनिशिंग देंगे, इसको इसी तरह रखेंगे, हैंडल को बाहर रखेंगे और यहाँ से जहाँ से जिप है जैसे इसमें हमने फिनिशिंग दी थी इसी तरह से इसमें भी फिनिशिंग देंगे। बस जिप को थोड़ा सा हटाना है और यहीं से फिनिशिंग दे देंगे। पूरी जिप सिली होने के बावजूद हमने इतनी सफाई के साथ यहाँ पर फिनिशिंग दे दी दाब मशीन की। ठीक, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से यहाँ तक पूरा सीधा पैक कर देंगे तीन तरफ से। इसको पैक कर देंगे, पैक करने के बाद अब इसको बराबर से रखेंगे और ये जो जिप ये 9 इंच की जिप के साथ ये जो हमने पट्टी जोड़ी थी साथ में इसको उंगली डाल के इस तरह से बाहर रखेंगे। इस तरह से ये बाहर आ जानी चाहिए, ये एकदम बराबर से इधर आ जाना चाहिए, इसको इधर और इसको भी यहाँ पर हम बाहर कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये दोनों पीस हमको बाहर दिखाई देंगे इस तरह से रखते हुए। अब यहाँ पर हमें ये जो लाइन हमारी आ रही है सीधी, ये यहाँ जाके जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ तक सीधी लानी है। यहाँ से सीधा ले जाएंगे, यहाँ सीधा सिलेंगे और यहाँ से ला के यहाँ तक सीधा सिल देंगे। तो अब इसको जोड़ देते हैं पहले। ये इस तरह से हमने इसको पैक कर दिया। अब जहाँ से सिलाई की है यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर हम पाइपिंग से इसको पैक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने उसी कपड़े की पाइपिंग ली है, यहाँ पर इस तरह से उल्टा रखेंगे। ये चीज़ हमारा बाहर की तरफ मुड़ना चाहिए इस तरह से, 1/2 इंच लगभग जहाँ से ये सिलाई शुरू की थी वहीं से रख के इसको चारों तरफ जोड़ेंगे। यहाँ भी ला के लॉक सिस्टम वाला पाइपिन पलट के सिल देंगे। और यहाँ पर ये देखिए लॉक सिस्टम वाली पट्टी बाहर आ गई, इसको हम यहाँ पर मोड़ते हुए यहाँ पर फिनिशिंग देते हुए पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब ये बैग हमारा पूरा कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब इसको हम सीधा करेंगे और ये बैग भी मैंने बचे हुए ही कपड़ों के इस्तेमाल के लिए बनाया है। तो बहुत सारे कपड़े बच जाते हैं उनसे हम बना सकते हैं
या नए कपड़े लेकर के भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा एक पैक रेडी हुआ। इसमें हमने ये हैंडल दे दिया, पीछे एक पॉकेट दे दी, ये पूरी पॉकेट सेपरेट आ गई और एक अंदर पॉकेट ये आ गई, एक ये आ गई। तो एक दो और ये तीन पॉकेट का ये हमारा हैंड बैग, या हैंड बैग तो नहीं कहेंगे, हैंड पर्स कहेंगे, डेली पर्पज़ के हिसाब से भी हो सकता है, या जैसे ऑफिस में भी आप बनाना चाहें अच्छे से अच्छा और डिज़ाइन दे करके। तो इस तरह से तैयार किया मैंने, एक ये तैयार किया और एक ये रेडी किया और एक ये रेडी किया और एक ये रेडी किया। इस तरह से अभी मैंने ये पांच बनाए हैं। तो मैंने कहा कि बनाते बनाते बड़ा टाइम हो जाता है सभी इकट्ठा, तो क्यों ना आप लोगों को पहले बता दूँ, फिर मैं अपना आगे काम करूँगी। तो अभी मेरे पास ये एक पीस और बचा है जो मैं इस वीडियो को डालने के बाद रेडी कर दूँगी। तो इस तरह से ये मैंने कुछ तीन पॉकेट के पर्स रेडी कर दिए। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।